जय हिंद, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजय स्टडी वाइटी पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है आपसे कि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया सीबीएसई का रिजल्ट कैसे करेंगे 2023 को ला, और डिजी लॉकर से रिजल्ट कैसे चेक करें, बहुत सारे लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिजी लॉकर से कैसे आपका रिजल्ट चेक होगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रह रहा, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं जो यहाँ पर पेज ओपन किया हूँ, ये पेज ओपन कैसे होगा वो पहले बताता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है आप सभी को ये अकाउंट पर। पहले मैं पेज ओपन कर बताता हूँ कैसे चेक करना है। सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना सीबीएसई का, जैसे पर गूगल पर जाकर सर्च करना, पहले डिटेल से पहले बताता हूँ, उसके बाद ही आप देख रहे हैं सीबीएसई जैसे लिखोगे तो उसका ऑफिशियल साइट ओपन आ जाएगा। फर्स्ट लाइन पर क्लिक कर देना, यहाँ पर देख सकते हो, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करते हो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाता है। उसके बाद साथियों क्या करना है, थ्री डॉट पर चले जाना है। थ्री डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में कर लेना है पहले, और डेस्कटॉप साइड मैंने कर लिया। और उसके बाद साथियों क्या करना है, मुख्य वेबसाइट जो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर रिलोड ले रहा है क्योंकि वेबसाइट क्रैश कर रहा है आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग 10, 12 दोनों का भी। तो यहाँ पर देख सकते हो साथियों, यहाँ पर 10/5/2023 यानी आज रात में आपका आया था, और इस पर क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करते हो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाता है। उसके बाद साथियों नीचे में जाना है, नीचे में स्क्रॉल करते हुए कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इतना बड़ा 5 पेज का। साथियों क्या करना है, नीचे में जाने के बाद ऑप्शन है यहाँ पर रिजल्ट का, डिजी लॉकर से रिजल्ट चेक करने वाला है सपोर्ट डिजिटल, तो आप इस पर यहाँ बीच वाला पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करते हो इस पर आपका कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। उसके बाद साथियों क्या करना है, आपको डिजी लॉकर से रिजल्ट चेक करने के लिए एक्टिवेट योर डिजी लॉकर अकाउंट, पहले डिजी लॉकर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद साथियों क्या करना है, यहाँ पर पढ़ लेना ठीक से, यहाँ पर जो जो चीज़ दिया है सीबीएसई स्टूडेंट स्टाइल यहाँ पर दिया, क्रिएट देयर डिजी लॉकर अकाउंट हियर, मार्कशीट एंड अदर सर्टिफिकेट विल बी मोड अवेलेबल, देयर अकाउंट विल बी अनाउंस। तो उसके बाद साथियों यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है, इंटर 6 डिजिट पिन प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल, स्कूल से 6 डिजिट का पिन प्रोवाइड डाला जाएगा, उस पर डालना है। यहाँ पर दिया है वेरी डिटेल प्रोवाइड मोबाइल नंबर एंड, इस पर गेट स्टार्ट योर अकाउंट करना है। उसके बाद साथियों इस प्रकार का पेज ओपन करा जाएगा। उसके बाद इसको भी डेस्कटॉप मोड में कर लेना है पहले, यहाँ पर 3 डॉट पर जाने के बाद नीचे में आने के बाद डेस्कटॉप साइड में कर लेना है कंटिन्यू। उसके बाद साथियों इस प्रकार पेज ओपन हो जाएगा, वही रहेगा और इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद साथियों क्या करना है, पहला वाला में अगर क्लास 10 से हो तो क्लास 10 पर क्लिक करना है, और स्कूल कोड देखो, स्कूल कोड में आपका स्कूल से कोड मिलेगा, स्कूल का कोड का सब स्कूल का अलग अलग कोड होता है, यहाँ 5 डिजिट का होता है, 5 डिजिट का, तो वो आपने डाल देना। और रोल नंबर अपने डालने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो होता है जो स्कूल आपको देगा, ये जो सिक्योरिटी पिन होता है वो स्कूल देगा आपको सभी को, और ये पर्सनली होता है, प्राइवेट होता है जो स्कूल को आपको प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने रहेगा डिजी लॉकर से, और आपका सर्टिफिकेट डाउन कर सकते हो, मार्कशीट डाउन कर सकते हो अपने आप से। और जैसे मैं डाउनलोड करके अगले वीडियो में बता दूंगा आपको, और इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि किसी का कोई कमेंट करो मैं उसे जो है लेकर आपको बता दूंगा पूरा डिटेल से। और कोई डाउट हो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।